नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रेंचाइज इंडिया एक्सपो में। अभी हम मौजूद हैं ऊर्जा इनोवेशन इन हिंदू क्रिमिनेशन सिस्टम के स्टॉल पर। इस इको फ्रेंडली क्रिमिनेशन के बारे में हमने पहले भी आपको जानकारी दी थी। अगर इस ऊर्जा इनोवेशन के बारे में और भी आप जानकारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आप उस वीडियो का लिंक शेयर कर दिया है, वहाँ पर जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ऊर्जा इनोवेशन के क्रिमिनेशन के अलावा और भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे बायोमास गैसीफायर प्रोजेक्ट, एनिमल क्रिमिनेशन सिस्टम प्रोजेक्ट, कंपोजिटिंग मशीन प्रोजेक्ट, सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन प्रोजेक्ट और सैनिटरी नैपकिन इंसिनरेटर प्रोजेक्ट। यहाँ पर आए हुए हैं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी। आपने कोरोना के समय में जब हम में से कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था, उस समय काल के गर्त में समाये हुए बहुत से लोगों का अंतिम संस्कार आपकी संस्था के द्वारा किया गया है। यह अंतिम संस्कार का कार्य आप 1996 से कर रहे हैं। आपकी संस्था का नाम शहीद भगत सिंह सेवा दल है। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी, पद्मश्री अवार्डी, प्रेजिडेंट शहीद भगत सिंह सेवा दल। आज मैं प्रगति मैदान में जो बहुत ही अच्छा अलग अलग आइडियाज़ लोगों ने यहाँ पे अपने रखे हैं, खास करके प्रधानमंत्री जी के स्कीम के अंतर्गत, उसी में ऊर्जा संस्था ने जो एक मशीन बनाई है डेड बॉडी को कम लकड़ी में क्रिमेट करने के लिए। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप सारी ज़िंदगी में एक पेड़ तो लगाते नहीं हैं, और जाते हैं तो 3.5 क्विंटल लकड़ ले जाते हैं आप। लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए, चेंज है अब। काफ़ी पहले लोग CNG में करने से कतराते थे, लेकिन वक्त ने हमारी औकात हमको दिखा दी, और अमीर गरीब करोड़पति अरबपति उनको जलाने की जगह नहीं मिल रही थी कोविड में। तो उस समय तो वो कह रहे थे जी आप चाहे कहीं भी जला दो बॉडी को, एक हमारे घर से ले जाओ किसी तरीके से। यहाँ तक कि बच्चों ने हाथ नहीं लगाया। शहीद भगत सिंह सेवा दल 1995 से यही प्रोजेक्ट कर रहा है और निःशुल्क कर रहा है। ईश्वर ने हमें एक मौका दिया, जब आज से 27 साल पहले मैंने निगम बोध घाट पर किसी व्यक्ति को लोगों की जली हुई लकड़ियों के टुकड़े उठाते हुए देखा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। हमें उस दिन लगा यार हम राष्ट्रीय राजधानी में रहते हैं, जहाँ लोग करोड़ों रुपए की कार में घूमते हैं, करोड़ों रुपए का मकान है, शादी में लगा देते हैं करोड़ रुपये, और वहीं किसी के पास लकड़ी के पैसे नहीं हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमने संस्कार की सेवा शुरू कर दी। मैंने एक एक करके 17 शमशानघाट अडॉप्ट किए। बहुत हमारे लोगों ने हमारी खिलाफत भी करी, लेकिन मैंने मेरे दोस्तों ने प्लान किया और हमने शहीद भगत सिंह सेवा दल NGO बनाई। सबसे पहला प्रोजेक्ट हमने निःशुल्क दाह संस्कार शुरू किया। उसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या थी दिल्ली में कि घर में डेथ हो जाए बॉडी को क्रीमेशन ग्राउंड ले जाना है, कोई साधन नहीं होता था। हॉस्पिटल से घर लाना है, कोई साधन नहीं होता था। अब करोड़पति है तो मर्सिडीज कार में तो लेके नहीं आएगा डेड बॉडी, उसको तो शव वाहन चाहिए। तो मैंने 96 में पहला शव वाहन बनाया, जिसका इनोग्रेशन मैंने कपिल देव जी से कराया। एक एम्बुलेंस का मैंने श्री साहेब सिंह वर्मा जी से, मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उनसे कराया, और फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा शुरू कर दी। वो भी आप बिलीव नहीं करेंगे कि कोविड आने तक 49,000 डेड बॉडी मैं क्रिमेट करा चुका था, 49,000 कोविड आने से पहले। और कोविड आते आते मेरे पास 12 शव वाहन और एम्बुलेंसेस थे। 5 प्रोजेक्ट थे मेरे। नंबर 1, क्रिमेशन ऑफ द अनक्लेम एंड पुअर डेड बॉडीज़। नंबर 2, डेड बॉडी के लिए गाड़ी देना यानी शव वाहन। नंबर 3, एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट के लिए। नंबर 4, उन अस्थियों को विसर्जन करना जिनको कोई नहीं उठाता, पड़ी रह जाती हैं। अभी कोविड में 4,000 उठाई है हमने। इसी प्रकार 5वां काम है मेरा डेड बॉडी को फ्रीज करना। किसी घर में डेथ हो गई, आजकल लोगों के बच्चे बाहर हैं, किसी ने बाहर से आना है, उनको 1-2 दिन का टाइम चाहिए, तो बॉडी कहाँ रखेंगे वो? अगर घर में डेथ हुई है तो हॉस्पिटल वाले मोर्चरी में नहीं रखते हैं, छोटे हॉस्पिटलों में मोर्चरी भी नहीं है। उसमें हम मोर्चरी बॉक्स, जिसका एक दिन का किराया 5,000 रुपया दिल्ली में प्राइवेट में, हम फ्री देते हैं। हमारे पास वो भी बॉक्सेज हैं। वो करते करते बस कोविड आ गया। कोविड में प्रशासन ने हमसे कहा कि आप अपनी एम्बुलेंसेस लगा दीजिए, लोगों ने मना किया। बड़ा सोचा मैंने भी, मैंने कहा यार 25 साल से हम लोग एज ए मिलिट्री काम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी ग्रांट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, 1 रुपया हमने नहीं लिया आज तक। और आज इतना बड़ा देश के ऊपर मौका आया है विपता का, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार हम फौजी की तरह सेवा कर रहे हैं, और फौजी
लड़ाई लगने पर घर में मर जाता है तो शहीद नहीं कहलाएगा, उसको तो सीमा पे लड़ना पड़ेगा और हमको शमशान में लड़ना पड़ेगा। हमने अपनी सारी ताकत झोंक दी शमशान में, एक ड्राइवर हमारा शहीद हुआ, मैं डेथ बेड पे गया, मेरा बच्चा वेंटिलेटर पे गया, लेकिन हम सब ठीक होकर वापस आए, काम संभाला और 4,200 के करीब हमने क्रीमेशन किए। इसमें कई प्रकार की बॉडीज़ थी, हॉस्पिटल से आती थी डेली 50 के करीब 60 के करीब, इसके अलावा घरों में पड़ी थी बॉडीज़ जिनके ना बच्चे हाथ लगाने को तैयार थे, कईयों के बच्चे बाहर थे देश विदेश में थे और कईयों बच्चों ने हाथ लगाने से मना कर दिया, कईयों ने अपने बाप की अंगूठी उतारी मरे पड़े की, किसी ने माँ की बालियाँ उतारी, कईयों ने अंगूठे लगवाए, हर कर्म करा लोगों ने, लेकिन हम अपने कर्म पर डटे रहे और ईश्वर ने मदद करी, लोगों ने भी मदद करी। अक्षय कुमार जैसी शख्सियत ने हमें 2 एम्बुलेंस भेजी, राष्ट्रपति जी का फ़ोन आया, उपराष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का मुझे, और करते करते 25 जनवरी 2021 को मुझे पद्मश्री के लिए उन्होंने मेरा नाम प्रपोज कर दिया और ईश्वर ने मुझे वो एक इतना मान सम्मान दिया। वो पद्मश्री मुझे नहीं मिला, मेरे बच्चों को, मेरे ड्राइवर्स को जिन्होंने सेवा की और शमशान घाट पे सेवा करने वाले कर्मियों को मिला। और इस दौरान हमने शमशान घाट में बहुत कुछ देखा हमने, क्योंकि हम 22 दिन मैं भूलता नहीं हूँ ज़िंदगी के, जब मैं घर नहीं गया था, मैं एम्बुलेंस में ही लेटता था, एम्बुलेंस में भी एक आधा घंटा लेट गया था, टाइम ही नहीं मिलता था। एक दिन में मैंने 186 तक बॉडी कराई है वन डे में, तो समय नहीं मिलता था उस समय। तो उस समय हमें लगा कि यार ये कोई साधन अलग अलग होने चाहिए, जैसे 3.5 क्विंटल लकड़ी लगती है, इसका कोई और साधन आना चाहिए, जैसे CNG अल्टरनेट था। इसके बाद किसी ने मुझे एक LPG वाली मशीन भेज दी चंडीगढ़ से, फिर अब ऊर्जा वाली आ गई मशीन। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जिस प्रकार हम जीवन में अपने आप को मॉडिफाई करते जा रहे हैं, मोबाइल छोटा होता है फिर बड़ा आ जाता है फिर और बड़ा आ जाता है फिर एप्पल आ जाता है, ऐसी ये भी एक ज़रूरत है। और आज जिस मैं इनके आज जिस स्टॉल पर आया हूँ, मैं समझता हूँ इसको हमें अब फैलाना चाहिए, इस बात को कि लकड़ी कम इस्तेमाल हो, जंगल कम कटें, पोल्यूशन कम हो, पर्यावरण को भी हम संभालें और लोगों को इसके लिए अवेयर करें। और मैं तो समझता हूँ देखो ये मशीन प्राइवेट आदमी तो को लगा नहीं पाएगा, इतने कॉस्टली है, लेकिन ये चीज़ गवर्नमेंट तक पहुँचे, जितने भी हिंदुस्तान की म्यूनसिपल्टीज़ हैं, क्योंकि जितना भी ये काम है म्यूनसिपल्टीज़ के अंदर आता है, मरने का और जीने का काम ये म्यूनसिपल्टी देखती है। इसलिए मैं भी सब जगह निवेदन करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके इसे प्रमोट किया जाए और आने वाले समय में लोग इसी प्रकार से करें, ताकि कम से कम लकड़ी इस्तेमाल हो और ये मशीन हर शमशान घाट में लगे। आपने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से, और शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से बधाई भी देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। ये ऊर्जा इनोवेशन की तरफ से सम्मान देते हुए डायरेक्टर अजय।